आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रधानमंत्री के द्वारा खाद कारखाने के लोकार्पण कार्यक्रम स्थल की तैयारियां लगभग पूरी। जिला प्रशासन ने जारी किया ड्यूटी कार्ड पास। एडीजी जोन ने कहा सुरक्षा के रहेंगे व्यापक इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के सफल आयोजन के मद्देनजर भाजपा ने बैठक कर बनाई रणनीति। कहा रैली में आने वाले किसी भी व्यक्ति को ना होने पाए कोई दिक्कत, ऐतिहासिक होगी रैली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। कहा संविधान बनाकर बाबा साहेब ने कमजोर लोगों के हित में किया कार्य। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मनाया गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर भाजपाइयों ने महापुरुषों के प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा ऐतिहासिक होगी पीएम मोदी की रैली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। कहा सामाजिक समरसता के शिल्पकार थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि 7 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री की रैली होगी ऐतिहासिक। खाद कारखाना और एम्स के लोकार्पण से बढ़ेगी विकास की रफ्तार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार सेकंड ने कहा प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक, विभिन्न मामलों का लोक अदालत में किया जाएगा निस्तारण। महानगर को जाम से मुक्ति दिलाने और किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 219 केंद्रों पर कुल 21,158 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,056 और सेकंड डोज लेने वालों में 16,102 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला बाबा साहब मोटरसाइकिल जन संदेश यात्रा। अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक साप्ताहिक समारोह के तहत आयोजित हुआ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। 4 वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता के विजय प्रतिभागियों को 10 दिसंबर को किया जाएगा पुरस्कृत। और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष मीडिया से हुए रूबरू। कहा 10 दिसंबर को रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रेलवे बस स्टेशन से रैली निकालकर क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपेंगे मांग पत्र।